मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिंधी समाज ने भारत पाक बंटवारे के बाद अपने को भारत में स्थापित किया और शून्य से शिखर तक पहुंचकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना अपूर्ण योगदान दिया। लखनऊ में आज सिंधी समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने सिंधी समाज की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, सिंधी समाज शांतिप्रिय और मेहनतकश समाज है जिसने समाज को आगे बढ़ाया और लोगों को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, झूलेलाल खुद देवता के अवतार के रूप में माने जाते थे। उन्होंने समाज को एक प्रेरणा दी और आज भारत में सिंधी समाज की अपनी एक पहचान है। हम सब जानते हैं कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक अभिन्न पार्ट है और अपनी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया वह सम और विषम परिस्थितियों के साथ जूझते हुए कार्य करते हुए उन्होंने लगातार इस अभियान को जारी रखा। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज उसका एक उदाहरण है। अरे केवल 1947 के देश के विभाजन की त्रासदी के समय ही नहीं बल्कि इससे पहले भी आज हम सब पूज्य झूलेलाल जी के प्रति जिस श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है पूज्य झूलेलाल जी का, वह स्वयं एक वरुण देवता के अवतार के रूप में माने जाते रहे हैं और मानव कल्याण के लिए सिंध की धरती पर उनका अवतरण होना, मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना और उसके माध्यम से आताइयों को भी उन्होंने इन सब कार्यों से अलग करने की भी प्रेरणा दी, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया।